वृंदा मैया ने फिर श्राप दिया, आपने मुझे छला है तो मेरे पति देव दूसरे जन्म में आपको छलेंगे। मैं अपने पति देव के विरह में तड़प रही हूं, ऐसे ही आप अपने पत्नी के विरह में तड़पोगे। मेरे पति देव आपके पत्नी का हरण करेंगे। वही जालंधर रावण के रूप में आया और सीता मैया के हरण करके ले गया। भगवान कहते हैं वृंदा तो मुझे श्राप दे रही है, ठीक है, मेरे पत्नी का हरण तेरा पति कर लेगा, ये तेरा श्राप तो सत्य होगा, लेकिन देवी तुम्हारा पति मेरे पत्नी के सतीत्व का हरण नहीं कर पाएगा। देवी तुम तो मुझसे प्रेम करती थी लेकिन विवाह तुमने जालंधर के साथ किया, तो छल तो तुमने किया, मैंने तो तुम्हारे व्रत को सिर्फ टाला है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये दूसरा कारण है भगवान के जन्म लेने का, वृंदा मैया ने उनको श्राप दिया है। अब तीसरा कारण सुनिए शंकर जी, तीसरा कारण बता रहे हैं। और तीसरा कारण जब शंकर जी ने कहा तब तो मैया आश्चर्य में पड़ गई। क्या है तीसरा कारण? नारद श्राप दीन एक बारा, नारद श्राप दीन एक बारा, कल पुरे के तेरी अवधारा, कल पुरे के तेरी श्राप दिया। इसके कारण भी भगवान का एक बार अवतरण हुआ। पार्वती मैया को ज्ञान देने वाले श्री नारद जी ही हैं और नारद जी पार्वती जी के गुरु जी हैं। कहे वो तो भगवान के परम भक्त हैं हमारे गुरु जी, गुरु जी क्यों देंगे श्राप भगवान को? जरूर भगवान से कुछ गलती हुई है तभी नारद जी ने उनको श्राप दिया है। क्या गलती किए हैं भगवान बताइए? देखो गुरु के प्रति कैसी निष्ठा है। भगवान गलती कर सकते हैं लेकिन हमारे गुरु जी गलती नहीं कर सकते, ये शिष्य के मन में भाव होना चाहिए। हाँ तभी तो गिरजा चकित भई सुनिबानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, वो तो परम भक्त है और परम ज्ञानी है। कारण कमन श्राप मुनि दिन्हा, ऐसा क्या कारण है जो हमारे गुरु जी ने श्राप दे दिया, श्री नारद मुनि ने श्राप दे दिया? काप राधे रमापति की नाम, ऐसा श्री लक्ष्मीपति ने क्या अपराध कर दिया जो हमारे गुरु जी से उनको श्राप मिल गया? तब तो भगवान शिव शंकर हंसने लगे, कहे देवी सुनो, ना कोई मूढ़ है ना कोई ज्ञानी है इस संसार में, जब भगवान जिसको जैसा करते हैं ना वो वैसा ही हो जाता है। रामचरितमानस में इसका स्पष्ट उल्लेख है। बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ ना कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण हो। जैसे भगवान जिसको करते हैं ना वो वैसे हो जाते हैं।
याज्ञवल्क जी भरत द्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। भरद्वाज जी महाराज, भगवान शिव शंकर ने ऐसा कहा और उसके बाद कहे देवी कैसे क्या बात हुई, इस कथा को मैं अब तुमसे कह रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुन लीजिए इस दिव्य कथा को, फिर भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतरण की कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी बह समीप सुर हिमालय पर्वत में एक सुंदर गुफा देखो, ये बिजली के लाइन तो समाप्त तो हो गया लेकिन हमारा लाइन तो ठीक है। अति प्रिय जानी महेश सिखाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शिव जी ने सोचा कि नारद जी तो राम कथा सुनाएंगे लेकिन ये क्या सुना रहे हैं, मार चरित राम को उल्टा कर दिए, मार चरित ये तो कामदेव को जीतने वाला चरित्र सुनाने लगे, अपने चरित्र को सुना रहे हैं, काम चरित्र सुनाने लगे, उल्टा कर दिए, राम को मार कर दिए, मार चरित शंकर ही सुनाए। अति प्रिय जानी महेश सिखाए। शंकर जी जैसे ही सुने काम भी का, काम का चरित्र कहे हो देवर्षि नारद जी रुको 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 सुनो सुनो सुनो। नारद जी कहे क्या बात है शंकर जी, कहे ये चरित्र मुझे आपने सुनाया ना, मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया, देवताओं को भी सुना करके आ रहे हैं आप, मैं जानता हूं ये अपना चरित्र कभी भगवान के पास जाकर के मत सुनाना। साफ साफ शंकर जी ने इनकार कर दिया, भगवान के पास जाकर के सुनाओगे सब गड़बड़ हो जाएगा मुनिवर, कभी मत सुनाना। नारद जी मन ही मन कहने लगे देखो ये शिव जी को देखो, मैं काम के ऊपर विजय प्राप्त करके आया हूं, इतनी बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन में, और ये कह रहे हैं कि भगवान को मत सुनाना, मैं क्यों ना सुनाऊं। इनका बड़प्पन सब गाते हैं तो इनको अच्छा लगता है, आज मैं अपनी बड़प्पन थोड़ा कर दिया, इनके सामने वर्णन कर दिया अपने बड़ाई की बात तो इनको बहुत बुरी लग गई मेरी बात। वाह भाई वाह शंकर जी, मन ही मन कह रहे हैं। और नारद जी चूके नहीं, कहे शंकर जी कि यदि प्रसंगवश यदि बात निकल गई काम विजय वाली तब मैं सुना दूं, तब कहे यदि प्रसंग भी आया तीनी जनी हरी सुना कर छिपा लेना देवर्षि, भगवान
भगवान को बताना मत, ये मेरा निवेदन है आपसे। बड़े प्रेम से भगवान शिव शंकर ने नारद जी को समझाया, लेकिन नारद जी को समझ में नहीं आया। और एक बार इनसे गलती हो गई। क्या गलती हुई? ये हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए विचरण करने वाले एक बार कर तलवर वीणा, कहां पहुंच गए? क्षीर सागर में पहुंच गए। और क्षीर सागर में जैसे ही पहुंचे, भगवान श्री हरि ने नारद जी को देखा, और देखते ही भगवान हर्षित होकर उठ खड़े हुए। नारद जी को देखते ही क्षीर सागर में भगवान है, उठ करके नारद जी को हृदय से लगा लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की है। और नारद जी को अपने समान आसन में बैठाए। नारद जी जब समान आसन में बैठे, तब कहे वाकई में मेरी महिमा बढ़ गई जब से ये काम को मैंने जीता है। आज भगवान अपने आसन में मुझे बैठा रहे हैं। देखो जी, कभी कोई हमसे बड़े हमको आसन दे और अपने साथ बैठने को कहे, तो सावधानी रखिए, उनके साथ कभी ना बैठिए। ये विनम्रता है और ये हमारा संस्कार है कि कभी अपने बड़ों के साथ में ना बैठें। और आप लोग ये नियम बना करके रखे हैं। मैं देखता हूं बड़े बुजुर्गों के सामने माताएं तो कोई आसन पर भी नहीं बैठती, जब बैठती हैं तो धरती पर ही बैठती हैं। और यहाँ छोटे छोटे जो बच्चे हैं, युवा वर्ग के लोग हैं, वे लोग भी ये नियम बना करके रखे हैं, बड़े बुजुर्गों के सामने आसन पर नहीं बैठते। क्यों? क्योंकि उधर चरण हो जाता है महाराज जी, इसलिए है ना, ये अपमान हो जाता है बड़ों का, तो नीचे ही बैठते हैं। नारद जी आज भगवान के पास में समान आसन पर बैठ गए। बैठे आसन ऋषि समेता, ये स्पष्ट वर्णन है। क्यों? भगवान दौड़ करके गए, गले से लगा लिए, ला करके अपने आसन में बैठाए। क्या कारण है? क्या भगवान इसलिए प्रभावित है कि ये काम विजय कर लिए? नहीं नहीं, भगवान जानते हैं इनको काम विजय का अभिमान हो गया है, दर्प हो गया है, घमंड हो गया है। और ये घमंड को लेकर के शंकर जी के पास पहुंचे थे। शंकर जी ने समझाया इनको, लेकिन ये समझे नहीं। मतलब बीमारी इनको लग गई है, फोड़ा हो गया है फोड़ा। और ऐसा फोड़ा है, ना फोड़ते बनता है और ना बैठते बनता है। मतलब ना इलाज हो सकता है और ना बैठते बन रहा है। तो क्या करते हैं डॉक्टर लोग? उस फोड़े को अच्छे से बढ़ाते हैं। तो भगवान इलाज कर रहे हैं, पहले फोड़े को बढ़ा रहे हैं। भगवान उनके अभिमान में और वृद्धि कर रहे हैं। आइए आइए मुनिवर, गले से लगा लिया, आइए मुनिवर को अपने साथ में बैठा लिया, बढ़ा रहे हैं बीमारी। नारद जी समझ नहीं पा रहे हैं। भगवान कहने लगे, नारद जी बहुत दिनों में आप आए, बड़ी कृपा की,
इधर अब आप आते नहीं है। नारद जी कहने लगे क्या बताऊं भगवान, मैं तो वहां तपस्या में लगा हुआ था ना, कहे तपस्या में लगे थे। अरे हाँ प्रभु, आपको पता नहीं है, काम चरित नारद सब भाके, 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 यद्यपि प्रथम शिव जी ने मना किया है कि काम चरित जो आपने काम को जीता है वो चरित्र कभी भगवान के सामने जाकर के कहना मत, और कोई प्रसंग आ जाए तो उसे छिपा देना, लेकिन ये माने नहीं। ओ भगवान के सामने तो वर्णन करने लगे, मैं तो गया था प्रभु तपस्या करने के लिए, अब वो काम चरित सुनाने लगे, राम को काम चरित सुनाने लगे, जहां राम का काम नहीं जहां काम का राम, तुलसी कब हो कि रहे रवि रजनी एक ठाम, बोलिए श्री राम चंद्र भगवान की जय। भगवान प्रकट होने वाले हैं, सारी व्यवस्था उनकी हो रही है, और मुझे संकेत मिल रहा है महाराज जी अपनी कथा को बिल्कुल वहां ले जाइए जहां भगवान के शुभ बाल स्वरूप का हम दर्शन करें। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारी माताएं यहाँ बैठी हुई हैं, आप लोग आपस में विचार विमर्श कर लीजिए, और जिनको जिनको सोहर मंगल इत्यादि आता है गाने के लिए, हम सुनना चाहते हैं इधर का सोहर मंगल कैसा होता है, तो आप लोग गा करके सुनाइएगा जरूर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ये तो काम चरित गाने लगे, अपने काम विजय लीला को सुनाने लगे। भगवान कहे ओहो, इनकी तो बीमारी बड़ी बढ़ गई है, अब मैं अपनी माया रचाऊंगा और इनकी बीमारी को दूर भगाऊंगा। अति प्रचंड रघुपति के माया, माया प्रचंड शक्ति है हनुमान की, मोहस को जग जाया, ऐसा कोई नहीं है जिसको माया ना पकड़ी हो, बड़े बड़े धीर मुनि सिद्ध जोगी माया के चक्कर में पड़ गए। रुख बदन करी बचन मृदु बोले श्री भगवान, सभी दूर हो जाता है आपके ऊपर, काम मान का कोई फर्क नहीं पड़ा, काम ने कोई जादू नहीं चला पाया आपके सामने, ये कौन सी बड़ी बात है, आप तो बड़े तपस्वी हैं और उनको बढ़ावा दे रहे हैं और बीमारी बढ़ा रहे हैं। नारद जी फूले नहीं समा रहे हैं, हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु,
सुनी मुनि मोह हो ही मनता के सुनी मुनि मोह हो ही मनता के ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके ज्ञान विराग ज्ञान है वैराग्य है आप परम ज्ञानी हैं आप परम वैरागी हैं आपके जैसा संति कोई है नहीं। नारद कहो सहित अभिमाना अभिमान में वो फूल गया। जो अभिमान में फूल गया समझो वो भगवान को भूल गया। नारद अभिमान में फूले नहीं समा रहे हैं और नारद जी कहने लगे कृपा तुम्हारी सकल भगवान। नारद कहो सहित अभिमान अभिमान से कहने लगे कृपा है प्रभु आपकी कृपा है। देखिए कि नम्रता से कहना और अभिमान से कहने में बहुत अंतर है ना। आप ऐसा ना कहिए ये तो आपकी ही कृपा है ये भी नम्रता है और आप कहेंगे हाँ हाँ प्रभु आपकी कृपा है आपकी कृपा है तो समझ जाइए कितना अंतर है बोलने बोलने की बात पर है कि नहीं। राम भी बोले आदमी तो इसमें भी अंतर है राम राम तो ये अभिवादन है और तीन बार हो जाए राम 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 तो समझ जाइए जो नहीं करना था वो कर दिया सामने वाले ने तब वो कह रहे राम राम राम। और मान लो कोई दुर्घटना हो गई तो अरे राम समझ रहे हैं ना बात एक ही है बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो बोलने का ढंग है नारद जी ने अभिमान से कहा बस बस प्रभु ये तो आपकी कृपा है आपने कृपा कर दी है तो मैं काम के ऊपर विजय पा लिया हूँ। नारद जी कह रहे जब ये बात तो भगवान मन ही मन विचार करते हैं कि इनका अभिमान बढ़ गया है ये मेरे परम भक्त हैं मुझे जल्दी उपाय करना होगा इनकी बीमारी को दूर करनी होगी। और भगवान बीमारी दूर करने के लिए उपाय करते हैं बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। देगी सुमें डारी हम खारी पर हमार सेवक हितकारी। ये तो मेरा प्रण है कि मैं सेवक का सदैव हित करूंगा ये तो मेरे नाम का प्रचार करने वाले मेरे परम सेवक हैं इनका उपकार मुझे करना होगा इनकी बीमारी को मुझे दूर करनी होगी मैं इसका इलाज अवश्य करूंगा। भगवान ने ये ठान लिया तब तो अपनी माया को भगवान ने आदेश किया कहां हो मेरी माया अब रचना रचाना होगा। भगवान ने रचना रचाया अच्छे से कैसे श्रीपति निज माया तब प्रेमी श्रीपति निज माया तब प्रेमी श्रीपति श्रीपति निज माया तब प्रेमी सुनो कठिन कठिन करनी तेरी
माया की करनी कैसे रही। नारद जी के लिए पूरा इंतजाम भगवान ने कर दिया, पूरी व्यवस्था हो गई नारद जी की। कैसी करनी है। बिरजो मगमहु नगर तेहि सत योजन विस्तार। 100 योजन वाली एक नगरी भगवान ने बीच रास्ते में रचना रच दी। माया है भगवान की माया। श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। भगवान श्री हरि जो वैकुंठ में रहते हैं उससे भी ज्यादा सुख ऐश्वर्य समृद्धि से युक्त उस नगर को भगवान ने रच दिया। नारद जी इधर चले आ रहे हैं। नारद जी जिधर आ रहे हैं उधर की बात है। उस पुर में एक राजा को बसा दिया भगवान ने, जिनकी एक दिव्य कन्या है। वर्णन है रामचरितमानस में। तेहि पुर बसे सील रे राजा। अग्नि घोड़े हाथी गाय बहुत सारे सुख संपत्ति से युक्त वो राजा का राज्य है। उस राजा का नाम है सील निधि। सील निधि नामक राजा को भगवान ने वहां बसा दिया। और ये सील निधि राजा के एक दिव्य कन्या थी जिनका क्या नाम था। विश्व मोहिनी कासु कुमारी। विश्व मोहिनी जिसको देख करके लक्ष्मी मैया भी मोहित हो जाए ऐसा स्वरूप उनका बना दिए हैं भगवान। देखिए माया कैसे रचा रहे हैं। नारद जी के लिए सारी यह व्यवस्था है। और उस राजा ने शील निधि राजा ने स्वयंवर आयोजित किया है अपनी कन्या के लिए उस विश्व मोहिनी के लिए। नारद जी उधर से निकल रहे हैं। नारद जी ने जब नगर को देखा कहे ऐसी शोभा मैं तो गया था तब ये नगर था नहीं कहां से ये नगर आ गया कुछ समझ नहीं पा रहे। बहुत चौंके हो गए नारद जी। नारद जी भीतर चले गए। भीतर जाकर के जब उन्होंने देखा बहुत सारे वहां अनुचर घूम रहे कहे अनुचरों ये महल किसका है। कहे ये सील निधि नामक राजा यहाँ रहते हैं जी। अच्छा ये उन्हीं का राज्य है। हाँ ये उन्हीं का राज्य है। और सुनो आप कहां से आ रहे हैं महात्मा जी आज आप अच्छा दृश्य देखेंगे। कहे क्या दृश्य। यहाँ स्वयंवर है। स्वयंवर रचना किए। ओ ठीक ठीक ठीक। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। नगर को देखते हुए भ्रमण करते हुए बड़ा दिव्य नगर है प्रशंसा करते हुए आगे बढ़े।
तो वही नारद जी की दृष्टि उस देवी के ऊपर पड़ी, सील निधि राजा के पुत्री के ऊपर। कैसे? नारद जी जब पहुंचे, सील निधि राजा ने जब सुना तो अपनी कन्या को वो सामने ले आए। देखिए मुनिवर, मेरे इस कन्या के गुण दोष विचार करके बताइए, इनके हाथों की रेखा में क्या लिखा है, ये मैं जानना चाहता हूं। तो नारद जी ने जैसे ही कन्या को देखा, राजा ने कहा था हाथ देखो, राजा ने कहा था नारद जी से कि हाथ देखो, और नारद जी वो कन्या के मुंह को देखने लगे। जिस काम के लिए आप गए हो वो काम करो और लौट जाओ मुनिवर, ऐसा क्यों कर रहे? तो ये माया है, माया, भगवान के माया से कोई बचा नहीं है आज तक। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आन दिखाई नारद ही भूपति राजकुमार, कहो नाथ गुण दोष सब के हृदय विचार। अपने मन में विचार कर लीजिए नारद जी, और इसके गुण दोष जो है वो हमसे कहिए। तो वो तो मुख देख रहे हैं, और इधर लक्षण तासु बिलो को देख करके हृदय हरस नहीं प्रगति बखानी, हरस नहीं प्रगति बखानी। नारद जी ने प्रकट रूप से कुछ भी नहीं कहा, जैसे ही उस कन्या की ओर देखा तो सब कुछ भूल गए और कहने लगे जो बरई अमर सोई होई, जो बरई अमर सोई होई, समझ प्रसन्नता का पता नहीं चलने दिया राजा को ना किसी को। देवी को देख करके तो ये मोहित हो चुके हैं, उनको पाने की लालसा इनके हृदय में आ गई, लेकिन ये प्रकट रूप से कुछ कहे नहीं, अपनी प्रसन्नता को छिपा लिए और हाथ देख करके कहने लगे इसका जो वर्ण कर लेंगे, इस कन्या से जिनका विवाह होगा वो अमर हो जाएंगे। जबकि वहां क्या लिखा था, जो अमर होगा वही इस कन्या का पति होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्होंने क्या कहा, जो इस कन्या से विवाह करेगा सकल चराचर ये पूरी दुनिया उनके सेवा में लग जाएंगे। लेकिन वहां क्या लिखा था, जिनके सेवा पूरी दुनिया करती है वो इनके पति देव होंगे। लेकिन ये उल्टी बात कह रहे हैं,
अपनी फायदे की सोच रहे हैं नारद जी, ये कन्या मुझे मिल जाए ऐसा ये विचार कर रहे हैं। जितने लक्षण थे वो नारद जी ने सब अपने हृदय में छिपा करके रख लिए। स्पष्ट वर्णन है रामचरितमानस में, लक्षण सब विचार उर राखे, 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 अछूत बनाई भूपल सन भाखे, सारे लक्षण को तो छुपा करके रख लिए, कुछ उनके बारे में बताए नहीं, बस ये अपने फायदे की ही बात बताने लगे। जिसके साथ विवाह हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा। नारद जी सोच ही रहे ना मन ही मन की, ये कन्या मुझे मिल जाए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब मुनिवर ने विदा मांग लिया राजा से और वहां से चल पड़े। और ये नारद जी कहने लगे, अरे भाई इसका तो स्वयंवर है, स्वयंवर में जो नियम शर्त पूरा कर देंगे या जिसको ये पसंद कर लेगी उसी को ये जयमाला डाल देगी, मतलब मेरी बारी आएगी ही नहीं ऐसा लग रहा है, तो ये मुझे देखे और मोहित हो जाए और मेरे ऊपर ही वरमाला डाल दे तब तो बात बन जाए, तो इसके लिए मुझे तो रूप चाहिए, इसके लिए मुझे रूप चाहिए, तो सुंदर रूप मुझे कैसे मिले ये मन ही मन विचार कर रहे हैं। तो बस मेरे तो हित करने वाले एक श्री हरि भगवान हैं। बोली भक्तवत्सल भगवान के जय। कल आप लोगों ने भजन सुना था, जप ले हरि का नाम जप ले हरि का नाम, क्यों क्योंकि उनके नाम से बन जाएंगे, उनके नाम से बन जाएंगे, तेरे बिगड़े जप ले हरि का नाम। मनवा जप ले हरि का नाम, बस अब तो जब तक होने नहीं लगा नारद जी से, रात दिन वो यही जपने लगे, किस विधि वो बाला मिल जाए मुझे, किस विधि वो कन्या मिल जाए, वो सुंदरी मुझे मिल जाए, यही अवसर चाहिए परमा, यही अवसर चाहिए परमा, शोभा रूप ऐसे समय में तो मुझे बहुत सुंदर रूप चाहिए, बहुत सुंदर मेरी शोभा होनी चाहिए। जो बिलो गिरी जय कुमारी, वो कुमारी जिसको देख करके बीज जाए, तब मेले जय मां, मैं सुंदर स्वरूप वाला हो जाऊं ना तो मेरे ही गले में जयमाला वो डाल देंगे। नारद जी अब मोहित हो गए हैं, हरि सन मांगो सुंदरता जाऊं और जाकर के हरि से सुंदरता मैं मांग लूं, ऐसा उन्होंने विचार कर लिया। मोरे हित हरि सब नहीं को, मेरे लिए तो हरि के समान कोई दूसरा हेतु है नहीं, मेरे हित करने वाले वो परम हितैषी हैं मेरे, उन्हीं के पास मैं जाऊंगा, लेकिन जाने में तो बहुत देरी हो जाएगी,
जाने में तो बहुत देरी हो जाएगी, इसीलिए यही बुला लेता हूँ। ऐसा वो विचार किए और विचार करके भगवान के भजन करने लगे। और भजन यदि आप करेंगे ना तो भगवान बहुत जल्दी मिल जाते हैं, इसलिए बड़े प्रेम से बड़े ध्यान से भजन करिए। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे भजन धीरे।